मेरा नाम राजन है, आँख में सफेदी पड़ी है, इसके लिए ऑपरेशन के लिए यहाँ पे आया हूँ। बाहर काम करके आ रहे थे, जैसे धूल मिट्टी या गर्दा मिट्टी नहीं पड़ती आंखों में, ऐसे आंखों में गर्दा मिट्टी पड़ गई। इसने मसल दिए, मसलने की वजह से अब प्रॉब्लम हो गया, बिल्कुल लाल हो गई थी खून की तरह। और जब लाल हो गई थी, इतना लाल होने के कारण सर में बदन में पूरे में दर्द नहीं, बेहाल थे। सुबह होते होते आँखों में जो कि सफेदी जैसी आ गई, जब सफेदी जैसी आ गई तो मेरे पास, मैं उसी दिन ट्रेन पकड़ा या आया दिल्ली, इसको बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में दिखाओ। मेरे पास 5 लड़की हैं, 1 लड़का है मेरे पास। बहुत धुंधलापन दिखाई देता है, हमने इसका इलाज नेपाल कराया, फिर गए नेपाल भाग के गए, यहाँ पे दिल्ली में कराया था, एम्स में गया था, वहाँ पे हो नहीं पाया, फिर यहाँ पे आया आपके पास। कह रहे थे कि हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा, ठीक हो जाओगे आप, आज हमारा ऑपरेशन है, पुतली बदली जाएगी यहाँ पे, सीधी आँख का आज आपका पुतली बदल देंगे, ठीक है, ऑपरेशन करते हैं, फिर आपका धीरे धीरे निगाह बढ़ेगी इसकी, ठीक है, और ये सफ़ेदी हट जाएगी आपकी, ठीक है जी। अब आपकी आंख में जो सफ़ेदी आ गई है, हाँ, उसको हम हटाएंगे, ठीक है, हाँ, और किसी और इंसान की पुतली जो होती है दान की हुई, हाँ, वो आपकी पुतली लगाई जाएगी टांकों के थ्रू, ठीक है, ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे पुतली साफ होती है, धीरे धीरे दवाइयाँ डालते हैं, हाँ, हम, हाँ, आना जाना पड़ता है दिखाने के लिए, ठीक है, उसमें धीरे धीरे निगाह साफ होती है और सफ़ेदी थोड़ी कम आपकी जो हट जाएगी पूरी तरह से सफ़ेदी पुतली से, ठीक है जी, ठीक है। हाँ, हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर गुंजन एंड टुडे वी आर डूइंग penetrating keratoplasty case today in this patient. So first we'll measure the refined size. 7.5-8. This is the donor cornea, जिसको हम refine करेंगे. हमने refine कर लिया है, तो ये हमने टिश्यू ट्रिफाइन कर लिया है इसमें। अब हम होस का ट्रिफिनेशन करेंगे, मेरा होस डिसेक्शन कंप्लीट हो गया, होस डिसेक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा टिश्यू है जो हमने डाइसेक्ट किया है, और हम आई को और क्लीन करेंगे, हम टिश्यू प्लेस करेंगे उसके ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने डोनर कॉर्निया को, ग्राफ्ट को होस्ट के ऊपर लगा दिए, और सूचर्स अब हम कंप्लीट करेंगे। तो धीरे धीरे कल जब हम देखेंगे सूचर्स को, हम देखते जाएंगे विन फॉलो पीरियड्स में, और धीरे धीरे इनका पेशेंट का विजन भी इम्प्रूव होता जाएगा। अब हम और बाकी बचे हुए सूचर्स कंप्लीट करेंगे। तो हमारी अब सर्जरी कंप्लीट हो गई है, ग्राफ्ट अब नाइसली प्लेस्ड है डोनर के ऊपर, होस्ट के ऊपर, और अब हम पैच कर देंगे, और अब हम इनको कल देखेंगे पोस्ट ऑप पीरियड में। राजन, आपका ऑपरेशन अच्छा हो गया, ठीक है, आप पट्टी कल खोलेंगे आपकी, ठीक है, आज जाके आराम करना है और खाने की दवाइयाँ खानी है, ठीक है। बैठ जाइए, कैसे हो? ठीक है, अभी मैं आपकी पट्टी खोल रही हूँ, ठीक है, ठीक है। इधर देखिए, तो पहले से काफी अच्छा है ना? तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है, पहले से बेहतर, बहुत ठीक है, सही, अच्छा है। तो सफेद निशान भी हट गया है, तो धीरे धीरे और सफाई होता जाएगा, ठीक है जी। दवाइयाँ बिल्कुल वैसे वैसे बताइए जो वो डालेंगे, ठीक है। राजन, पहले आपको कितना दिख रहा था, यहाँ तक दिख रहा था? हाँ, बस यहाँ तक, बस। अभी आप पढ़ेंगे वहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, ठीक है। क्या लिखा है वहाँ पे? के है। अभी डी है। पहले अच्छा है, सही है, कम दिख रहा था, अब दूरी पे दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का बढ़ रही रोशनी। डॉक्टर ने बोला कि अभी 6-7 महीने बाद अच्छा हो जाएगा आपके यहाँ पे, अब अच्छा लगता है। 10 लड़कों के बीच में जब खड़ा होता तो मेरे को अच्छा लगता है, महसूस अच्छा होता है। पहले नहीं खड़ा होता था, जैसे लग रहा था, मैं अपने आप को खुद समझ महसूस कर रहा था हमेशा, कोई कुछ कह देगा तो फिर
अब अच्छा लगता है 10 लड़कों के बीच में खड़ा होना। तो मैंने फिर एम्स में गया तो उन्होंने कहा इसमें पुतली पड़ेगी, फिर वहाँ पे फिर उसके बाद वेट करा, इंतजार करा, आया नहीं वहाँ पे नंबर। मैंने फिर आयुष्मान हॉस्पिटल में यहाँ पे चेक करवाया के डॉक्टर गुंजन ने बोला कि पुतली जो चेंज करनी पड़ेगी आपको कॉर्निया, तो बोलो कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं ठीक कर दो, फिर उन्होंने किया हमारा ऑपरेशन, पहले से बहुत अच्छा बेहतर है, ठीक है। राजन सामने देखिए मेरा कान, आँखों से ऊपर की तरफ देखिए, जी ठीक है, ठीक है राजन, अब तो काफ़ी साफ हुआ है और नज़र थोड़ी धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी, अब सेट हो गई है पुतली आपकी, तो आप दवाइयाँ बस कंटिन्यू रखिए, फिर हम आपको लंबे टाइम बाद देखेंगे, 2-3 हफ्ते बाद देखेंगे आपको, ठीक है। काफ़ी अच्छा चल रहा है, पहले से काफ़ी बेटर है, ठीक है जी। राजन का हमने पीके किया था फॉर कॉस्मेटिक रीज़न, बिकॉज इनको कॉर्निया पूरा वाइट था एंड उनको सेंसरी एक्सोट्रोपिया भी था, तो बचपन से जो प्रॉब्लम्स होती हैं एम्ब्लायोपिक आइज होती हैं, कुछ बार हम कॉस्मेटिक रीजन से सर्जरी करते हैं, तो ये कॉस्मेटिकली पीके किया गया था पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी, एंड इनका देखें तो आइज काफ़ी अच्छी लगने लग गई हैं, अभी 2-3 वीक्स हुए हैं इनकी सर्जरी को, एंड लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स इन विजुअल गेन इन द फॉलोइंग ईयर, बट एटलीस्ट द कॉस्मेटिक रीजन इज फॉलोड एंड सेटिस्फाइड बाय अस फॉर हिम। बाकी एक छोटा सा मैसेज है दैट पीपल लाइक हिम मिस्टर राजन लाइक दे बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम आई डोनेशंस, इसलिए हम भी पेशेंट्स को बोलते हैं कि हाँ हम पुतियाँ वेटिंग में हैं और अगर हमारी डोनेशंस अच्छी होती हैं तो ऐसे वाले पेशेंट्स हमारे बेनिफिट करते हैं, तो इसीलिए हम प्रमोट करते हैं कि आई डोनेशंस करिए, आँखों का नेत्रदान कीजिए ताकि बहुत लोगों को नई ज़िंदगी मिले जी।